जब हमारे पास स्पेस है, बसोली में ही लोगों के यहाँ पे उनके लिए ही सीएफसी बन रहा है, तो वहीं पे टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो नेक्स्ट ईयर उसका काम शुरू किया जा सकता है, पर अभी नहीं। वहां पे हम बसोली पेंटिंग की, जिसका जीआई टैग हो गया है, उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी बन रही है। जब बसोली पश्मीना की जहाँ पे टेस्ट सीएफसी है, उसके ही फर्स्ट फ्लोर पे बसोली पेंटिंग का टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हम बना रहे हैं। इन सब कामों में को भी अप्रूव करवाने के लिए एक महीना, दो महीना, आप कहते हैं दो तीन महीने से कुछ नहीं हुआ, दो दो महीने तो काम ही अप्रूव करवाने में हमें लग जाते हैं। ये काम अप्रूव करवाए, पैसे लाए, कुछ करके अब यहाँ पे सीएफसी भी आपका तैयार हो रहा है और टेस्टिंग लेबोरेटरी पेंटिंग की बन रही है पश्मीना की, कोई एक साल के बाद हम ट्राई करेंगे। बाकी चरखा खड्डी और शेड शुड तो इंडिविजुअल तो देने हैं, जो शेड इंडिविजुअल शेड दो, किसी जिसको जिसको जरूरत है उसको दो, जिसको खड्डी की जरूरत खड्डी दो, क्योंकि जो भी काम करेगा आदमी क्लस्टर में आके करेगा या घर में करेगा। हमने कितना पेपर वर्क ऑफिस में बैठ के किया है वो हम जानते हैं, कितनी कम्युनिकेशन हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ की है वो हम जानते हैं, वो करके सब कुछ करके आपका क्लस्टर सैंक्शन हुआ। क्लस्टर सैंक्शन करके ये जो कंप्यूटर लैब है ये क्लस्टर की वजह से ही लगी है, वहीं से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का पैसा आया, तो इनको कंप्यूटर्स खरीदे गए, सामान आया, सब कुछ। नेक्स्ट स्टेप क्या था, वर्कशेड जिसकी आपने बात की, वर्कशेड मिलने चाहिए, मिलने क्यों नहीं मिलने चाहिए, हमने क्यों सैंक्शन करवाया, इसीलिए क्योंकि बसोली एरिया डेवलप हो सके। वर्कशेड के लिए जब वीवर सर्विस सेंटर श्रीनगर वाले विजिट करने आते हैं, उनको वीवर नहीं मिलता, वो कहते हैं उनकी अपनी गाइडलाइन है, वो कहते हैं वीवर के पास खड्डी होनी चाहिए। अब वो गाइडलाइन में लिखा है ना, सरकार की गाइडलाइन में लिखा है जिसको खड्डी होगी उसको वर्कशेड मिलेगा, जैसे खड्डी किसी ने अपने घर में ही ऐसे बंद करके रखी, अब सरकार की गाइडलाइन है ना, हम उसको सरपास नहीं कर सकते। जब वीवर सर्विस सेंटर वाले आते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं कि वर्कशेड के लिए कितने, 20 वर्कशेड देने थे, बनाए राहुल कितने, 23, तो उनको नहीं सेटिस्फेक्शन हुई, बाद में हुई, पहले नहीं, जो भी है। फिर आपने लिए भी, करे भी, सब कुछ करके आपने जेन्युइन वीवर्स भी लाए, 23 जेन्युइन वीवर्स एक से आगे, कुछ थोड़े इश्यूज जो हैं दूसरे क्लस्टर में, दो क्लस्टर इकट्ठे सैंक्शन हुए थे, दो क्लस्टर की इकट्ठे वर्कशीट्स मिलने थे। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल प्योर अच्छा काम, सरकार का पैसा ना ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही फेंक देना, जब तक हमें कागज पूरे नहीं होंगे, जब तक हम प्रॉपरली देखेंगे नहीं कि वीवर जेन्युइनली काम जो कर रहे हैं उनको वर्कशीट्स देने थे, तो वर्कशीट्स की ये इशू था, उसको सॉर्ट करवाने के लिए जो आपके साथ एक और क्लस्टर है, आपके साथ पर कठुआ आ गया कि दो क्लस्टर है, दो क्लस्टर का इकट्ठा करना है, लेकिन दूसरे क्लस्टर में कुछ इशू है। अब मैं ये आपके साथ यहाँ पे कह सकती हूँ, एक क्लस्टर का अगर तो सब ओके हो गया, क्योंकि अभी पिछली बार भी आप हमारे ऑफिस आए थे, तो आपने कहा था कि वो हमने उनको, उन्होंने हमें रिपोर्ट आगे दी, जो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है, मैंने ये फरवरी में रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट वालों को, मतलब ये जो एडी ऑफिस को लोगों को दिया था, तो उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं, मतलब कि मीटिंग होगी, मीटिंग में एसएलपी की मीटिंग होगी, उसमें आपको अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, फिर हम काम करेंगे, काम उसके बाद कोई काम हुआ, ये वीवर्स पूछते हैं मुझे कि हमारा ऐसा नहीं कहते हैं राहुल, कोई काम नहीं हुआ। आप लोग अगर खड़े हो ना, अगर आप लोग खड़े हो कर रहे हो तो डिपार्टमेंट की वजह से भी कर रहे हो, ऐसा नहीं थी, बात मत करो ऐसे, बस फरवरी में जब आपने दे दिए थे ना तब वो रिपोर्ट सही नहीं थी, उसमें वीवर्स प्रॉपर नहीं मिले, खड्डियां नहीं मिली उनको, तब जाके उन्होंने रिपोर्ट सही नहीं डाली। अब अगर वो सही है, अगर आपकी सही है, हम आपकी रिपोर्ट ओके करवाते हैं, वीवर सर्विस सेंटर वाले, हमने ताहिर को बुलाया हुआ है, मुझे लगता है 8th को बुलाया हमने उनको जम्मू, हमने उनको हमने फॉरवर्ड किया, आगे किया ना, एक्सटेंड किया, हमने पहले रखी थी 30th को एसएलबीसी मीटिंग, फिर हमने एसएलबीसी मीटिंग आगे करी, तो जब हम जम्मू आ जाएंगे ना, बस जब हमने एसएलपीसी मीटिंग करेंगे तो उसमें हम पूछेंगे कि आप वाले क्लस्टर की करा देंगे, बिलावर वाली अभी नहीं हो सकती, क्योंकि बिलावर वाला जब तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम नहीं,
जब तक आपको वर्क शेड के लिए वीवर नहीं प्रॉपर मिलते, अब मुझे बताओ कंप्यूटर ऑपरेटर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इतने लोग लगा दें वो हम, उनके इंटरव्यूज, उनके लिए लिस्ट फाइनल हो गई है, हमने फॉर्म्स ले लिए हैं ऑफिस में, इंटरव्यू करवा के कहाँ बिठाना है? सिर्फ सरकार से उनको तनख्वाह दिलानी है? नहीं, बात यह है कि जवाब हमें देना पड़ता है पैसों का सरकार को। यहाँ जिस दिन जेन्युइन काम वो लड़के आके करेंगे ना, उस दिन सरकार को जवाब भी देना। हम लोग इसीलिए इंतजार में हैं आपके वर्कशेड्स प्रॉपरली हो जाएं। जब आपके वर्कशेड्स हो जाएंगे उसी दिन हम उसको लिस्ट को आउट करेंगे और आपके आगे वर्कर भी यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोगों की काम करने की मंशा पूरी होनी चाहिए। आप लोग अगर पीछे 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 रहते हैं ना, जैसे अब आपने कहा, बट इन्होंने भी अभी बात की कि वो लाइनों वाले शॉल, लाइनों वाले शॉल से तो निकलना है। अब आप कह रहे हैं कि जैसे, और एक जेन्युइन आपने रिक्वेस्ट जो बोली है रॉ मटेरियल की, वो तो डेफिनेटली अब यहाँ से जाके मैं टेकअप करूंगी, क्योंकि पहले रॉ, जब हम पिछली बार आए, मैं दो बार पहले आई हूँ, पहले बार आए बोलते हैं सी एफ सी चाहिए, वो क्लस्टर चाहिए, क्लस्टर आया, दूसरी बार आए क्लस्टर आया, क्लस्टर आने के लिए मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत की, तब जाके क्लस्टर आया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। लेकिन क्लस्टर भी आया, सब काम भी हुआ, जो पिछले क्लस्टर हैं उनका भी काम हुआ क्लस्टर। अब जब वर्कशेड आपके सही होंगे, पहले तो आज मैं देख के जाऊंगी, जरा आपके वो जो 23 लोग हैं मुझे दिखाओ, वर्कशेड दिखाओ, मैं खुद देखूंगी, कल आपका लिख दूंगी वीवर सर्विस सेंटर में, इनका ओके है, इनको वर्कशेड दो। लेकिन अगर मुझे आप सेटिस्फाई करोगे दिखाओ, क्योंकि हम फेक बात पे नहीं चलना, बात सही होनी चाहिए, वीवर सही होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। लो पैसे हमने अपने लिए तो रखे नहीं है, वो पैसे आप ही को मिलते हैं, हमने आज तक कभी आपसे कोई ऐसी बात नहीं है, मिनिस्ट्री से डायरेक्ट आपको पैसे आते हैं, ऐसी ही बात है ना। तो ये हो जाएगा। दूसरा बात, इन्होंने बोला GI टैग शॉल होगा तो हमारा शॉल बिकेगा। बसोली पेंटिंग का GI रजिस्ट्रेशन हो गया, आज से 70 साल पहले किसी ने फाइल तो नहीं चलाई थी ना, वो तो अभी हमने चलाई फाइल तो GI टैग हुआ। फिर बस राजौरी की चिकरी वुड का GI टैग हुआ। ये दो GI टैग जम्मू प्रोविंस के, चाहे आप कलाड़ी, गुच्छी, राजमा, कोई चीज कह लो, कोई प्रोडक्ट GI टैग नहीं हुआ, लेकिन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जम्मू के दो प्रोडक्ट्स GI टैग हुए। और इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आने वाला है बसोली पश्मीना, जो कि 1 महीने के बाद GI टैग आपको मिल जाएगा, क्योंकि बसोली पश्मीना अपने फाइनल स्टेज पे है GI टैग के, उसके लास्ट के 3 मंथ्स चल रहे हैं कि किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है फाइलिंग करने के लिए, वो 3 महीने रजिस्ट्री जो है वो रखती है, बस अभी 1 महीना और लगेगा, उसका GI टैग हो जाएगा। फिर यह बात इन्होंने कही CFC के लिए कि कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो, उसको अपग्रेड करो, ऐसे जो पुराना, जो आप पहले वाला कह रहे हो वो तो हमें पता नहीं है, उसमें कहीं डिपार्टमेंट का पैसा लगा है या कुछ है, उसको हम छेड़ नहीं सकते। कोई बात होती है ना, जैसे पुराने दफ्तर होते हैं वो ऐसे ही क्यों चल रहे होते हैं, कोई बीच में लिटिगेशन होती है, कोई सरकारी ऑफिसर्स के हाथ में हर पावर नहीं होती कि जब दिल चाहे तोड़ दिया नया बना दिया, वो ऐसे हम नहीं कर सकते। ऐसे ही वो कोई बिल्डिंग है जिसको हम नहीं छेड़ सकते, उसमें कुछ कागजी कार्रवाई में कुछ दिक्कत है, इसलिए हमने नया बसोली में पश्मीना का CFC बन रहा है, जिसके पिलर्स खड़े हो गए हैं। क्या एरिया है वो बसोली पश्मीना के CFC का? यहीं से है मैडम, 2 किलोमीटर। क्या नाम है? बटाड़ा, रेहान, रेहान विलेज, रेहान है ना, उसको विलेज रेहान लिखा है, खान बोलते हमें नहीं ना पता, तो जो भी है वहाँ पे आपका CFC बन रहा है। CFC की बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया है, उसमें प्रोविजन है, जगह है टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने की, लेकिन टेस्टिंग लेबोरेटरी अभी नहीं, पहले बिल्डिंग बन जाएगी तो टेस्टिंग, जब टेस्टिंग लेबोरेटरी की वहाँ पे बनाने की बात आएगी तो मैं स्क्वाश से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब हमारे पास, अगर इनके पास प्रोविजन होगा, जब हमारे पास स्पेस है, बसोली में ही लोगों के यहाँ पे उनके लिए ही CFC बन रहा है, तो वहीं पे टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो नेक्स्ट ईयर उसका काम शुरू किया जा सकता है, पर अभी नहीं। वहां पे हम बसोली पेंटिंग की, जिसका GI टैग हो गया है, उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी बन रही है,
जब बसोली पश्मीना की जहाँ पे टेस्ट सीएफसी है उसके ही फर्स्ट फ्लोर पे बसोली पेंटिंग का टेस्टिंग लैबोरेटरी भी हम बना रहे हैं। इन सब कामों में को भी अप्रूव करवाने के लिए एक महीना दो महीना, आप कहते हैं दो तीन महीने से कुछ नहीं हुआ, दो दो महीने तो काम ही अप्रूव करवाने में हमें लग जाते हैं। ये काम अप्रूव करवाए, पैसे लाए, कुछ करके अब यहाँ पे सीएफसी भी आपका तैयार हो रहा है और टेस्टिंग लैबोरेटरी पेंटिंग की बन रही है पश्मीना की, कोई एक साल के बाद हम ट्राई करेंगे।